हेलो ट्रेडर्स, अभी मैंने ग्रासिम का 385 क्वांटिटी बाई किया है, जिसमें अभी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही वोलेटाइल है ग्रासिम। यहाँ पे 1488 पे बाइंग है 385 क्वांटिटी और सेल 385 है। अभी करंट प्राइस 1488.30 चल रहा है और स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया है 1480 का है, मतलब 8 पॉइंट का रिस्क है। देखते हैं, और ये मैं निकाल दूंगा, अगर प्रॉफिट मुझे मिलेगा ब्रोकरेज वगैरह निकल के तो मैं निकाल दूंगा पहले ही, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे भरोसा नहीं है, इस स्टॉक पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो मुझे दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी लॉस होता हुआ 789 रुपये का, और ये लगातार इस स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे लगता है इसके अंदर लॉस ही बुक करना पड़ेगा। फिर भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल जाए। बायर सेलर्स का डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, और मुझे देखिए 84 आ गया, 1500 का लॉस भी होने लगा है। वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अपसाइड में मोमेंटम मिले तो निकल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर भी लॉस बुक करके हम चल जाएंगे, ठीक है, वेट करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, अभी 962 रुपये का हो रहा है लॉस, अभी भी वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडर्स, 3080 का जो प्रॉफिट कल हुआ था वो लॉस हो चुका है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कोई पोजीशन अगर अच्छा होता है तो बनाते हैं। हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पे हम पेल का प्रीमल इंटरप्राइजेस, जिसमें हमने बाई कर रखा है, 210 क्वांटिटी है, होल्ड कर रखे हैं। देखिए होल्ड कितना तक जाता है, मार्केट नेगेटिव है, एगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हैं, रिक्सी हो सकता है, और मैं स्टॉप लॉस जो लगा रखा हूँ 2690 का है। थोड़ा वेट करते हैं, मुझे लगता है कि 15-20 तक जाना चाहिए प्रीमल इंटरप्राइजेस, ठीक है। जो लॉस है 254 रुपये का लॉस है, चलिए वेट करते हैं, कोई अदर पोजीशन मिलता है तो फिर बनाया जाएगा। ट्रेडर्स, यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे 68 रुपये का ओवरऑल लॉस हुआ है, और एक तरह से 3080 रुपये का लॉस ग्रासिम में और 3011 रुपये का प्रॉफिट प्रीमल इंटरप्राइजेज के अंदर, जिसमें मतलब ओवरऑल मेरा लॉस में ही 68 पॉइंट और फिर ब्रोकरेज वगैरह कट के लॉस में ही रहेगा, तो ओवरऑल लॉस में हूँ। और बात करें तो माइनर लॉस है, जहाँ पे 3000 का लॉस होना चाहिए वहाँ पे मैं प्रॉफिट में बाद में अच्छा प्रॉफिट भी कलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, अगले कल का मौका, कल गुरुवार को बंद रहेगा मार्केट्स, तो कल की ट्रेडिंग किया जाएगी।